नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं सब्सक्राइब टीवी चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भैया दूज क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका खास महत्व हिंदू धर्म में। भैया दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह, त्याग और सम्पन्न का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और उनकी समृद्धि की कामना करती है। एक विशेष त्यौहार जिसे भारत में भाई बहन के बीच बंधन बनाने के लिए मनाया जाता है। भैया दूज मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन कर। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्रणों से हारने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जी सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसा मानता है कि जो अतिथि स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भैया दूज के शुभ अवसर पे आप सभी भी यमराज और यमुना की पूजन करें। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा ये भी है कि भैया दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर वापस द्वारका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और अनेके दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। भगवान श्री कृष्ण मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी, इसलिए यह भैया दूज मनाया जाता है। भैया दूज का त्यौहार भाई बहन के स्नेह को दर्शाता है। यह त्यौहार दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक देव त्यौहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन जो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा त्यौहार भैया दूज का होता है, इसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भैया दूज का त्यौहार कार्तिक मास की द्वितीय को मनाया जाता है। भैया दूज को भ्राती द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध और प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती है। इस दिन बहनें भाई के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके तिलक भी लगाती है। इस दिन बहनें भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान भी कराती है। यदि गंगा यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई की जिमाई तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाई को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व होता है। बहन चचेरी अथवा ममेरी कोई भी हो सकती है। यदि कोई बहन न हो तो गाय नदी आदि पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन कर लेना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गोधन कूटने के भी प्रथा है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर छाती पर ईंट रखकर स्त्रियों उसे मूसले से तोड़ती है।
स्त्रियाँ घर घर जाकर चना मूंग तथा भटकैया चराकर जिहुआ को भटकैया के कांटे से दागती भी है। दोपहर पर्यंत यह सब करके बहन भाई पूजन विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस खास दिन पर हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यमुना ने कई बार यमराज को बुलाया था, लेकिन वह उन्हें दर्शन देने में असमर्थ थे। हालिका एक बार जब यमराज ने यमुना का दौरा किया तो उनका बहुत प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। यमुना ने उसे माथे पर तिलक भी लगाया। इतना प्यार पाने के बाद यमराज ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। उनकी बहन ने यमराज को हर साल दिन चिन्हित करके कहाँ जहाँ उसे देखने जाएंगे। इस प्रकार हम भैया दूज को भाई बहन के बीच एक पवित्र त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा यह वीडियो। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली दोस्त सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। नमस्कार। गुड डे।